बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। कल से हमने देखा जिस तरीके से पंजाब असेंबली में मीडिया के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें जाली डिग्री का एक जो इशू काफी अरसे से चल रहा था, और इसमें मीडिया पे ब्लेम किया गया कि कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया इस तरह के प्रोग्राम्स में सियासतदानों का मजाक उड़ा रहा है, और मीडिया में जो हमारे जो सियासतदान हैं जो जाली डिग्रीज के जरिए अक्सर जो सियासतदान मुंतखब होकर आए हैं उनकी किरदार कुशी की जा रही है। ये करारदाद पंजाब असेंबली में मंजूर की गई, उसके बाद मीडिया सरापा एहतजाज बन गया। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब कल जब असेंबली के बाहर से वो निकले और मीडिया के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, लेकिन खादमे आला जो अपने आप को खादमे आला पंजाब कहते हैं, उन्होंने वहां पे एक मिनट भी रुकना गवारा ना किया, और जिस तेजी से वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठे, और आज वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि उनकी हमदर्दियां मीडिया के भाइयों के साथ है। शुक्र अदा करते हैं कि कुछ देर से उनको इस चीज की समझ आई, क्योंकि मीडिया की जानिब से जो काफी स्ट्रांग रिएक्शन सामने आया कि इस तरह के इल्जाम मीडिया पर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद उनको याद आया कि वाकई वो सहाफी बरादरी के साथ हैं। आज के प्रोग्राम में इसी इशू पे हम बात करेंगे, ये जो करारदाद पास की गई पंजाब असेंबली में इसकी क्या हैसियत है, और जो मुतफिका तौर पर यह करारदाद पास की जाती है उसके बाद पीएमएलक्यू ने कहा है कि वो एक और करारदाद ला रहे हैं मीडिया के हक में, और क्या ये जो करारदाद पास की गई है पीएमएलएन की मुश्तरका इसको हमायत हासिल थी या नहीं थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कल हाउस में मौजूद थे, उन्होंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। इस करारदाद की मुखालफत में भी हाउस में कोई वोट सामने नहीं आया, तो ये एक मुश्तरका तौर पर मुतफिका तौर पर करारदाद तो मंजूर हुई। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले कुछ साउंड बाइट्स जो पंजाब असेंबली में मीडिया के हवाले से कहे गए वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, फिर अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। अंडर मैट्रिक जर्नलिस्ट को, एक अंडर मैट्रिक बंदे को एक नंगी तलवार पकड़ा दी गई है, एक माचिस की डिबिया पकड़ा दी गई है। आज इस मुल्क की जड़ें खोखली करने में इन मीडिया वालों का हाथ है। मीडिया ने कभी किसी मार्शल लॉ के खिलाफ बात की? ये हमें ही कमजोर समझते हैं। पाकिस्तान का नुकसान चीन जे ने किया है। जर्नल, जुडिशरी और जर्नलिस्ट, इससे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान किसी ने नहीं किया। ये अपना नहीं बताते कि ये क्या कर रहे हैं। इस मुल्क में अगर अगर खुदा ना करे खाना जंगी हुई तो उसकी वजह ये मीडिया होगा। जो इसके हक में है वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ है वो ना कहें। मेरे ख्याल में फैसला हम वालों के हक में है, और ये करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर हुई। जी नाजरीन, आपने देखा जिस तरीके से स्पीकर पंजाब असेंबली ने अनाउंस किया कि यह करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ गए को मीडिया के हक में है। जो अरकीन असेंबली है वहां पर मौजूद है, कुछ का ये कहना था कि मीडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ का ये कहना था खाना जंगी अगर होगी इस मुल्क में तो मीडिया उसका जिम्मेदार होगा। बहुत सारे इल्जाम मीडिया के हवाले से लगाए गए, और कुछ का तो ये कहना है कि CIA के एजेंट है, इन्हें अपना पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अपने मौजूद मेहमानों का हम आपसे तारुफ कराते हैं, जिस वक्त लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तशरीफ रखते हैं फहद हुसैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज हैं, दुनिया टीवी के सीनियर सहाफी और तजियाकार हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आप साथ तशरीफ रखते हैं सनाउल्ला मस्ती खैल साहब, MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इन्होंने ही ये कल करारदाद जो है असेंबली में पेश किया, आप दोनों को खुश आमदेद कहते हैं। फहद साहब, आपसे बात आगाज करने से पहले अगर सनाउल्ला मस्ती खैल साहब से हम बात करते हैं। सनाउल्ला मस्ती खैल साहब, आपने जो करारदाद पास की जो पेश की वो मेरे सामने है, उसमें कहा गया कि बाज़ जमहूरी जो मीडिया के कुछ हिस्से हैं जमहूरी इदारों और सियासी रहनुमाओं की वो पैरोडी करते हैं, गैर जमादाना प्रोपेगेंडा करते हैं, इसको तशवीश की नजर से देखते हैं, इसे जमहूरियत को खतरा है। आपने फिर कहा कि खवातीन अरकीन असेंबली के ऊपर जो गाने लगाए जा रहे हैं वो शर्मनाक बात है, तो मीडिया को इस सिलसिले में एहसास करना चाहिए। और ये जो करारदाद आपने पास की मुतफिका तौर पे पास होती है, तो आप पे पूरे के पूरे मीडिया को एक ही आप कैटेगरी में रख रहे हैं इसमें? यही तो हमारा रोना है आसमा, यही तो हमारा झगड़ा है, और मुझे अफसोस इसी बात का है, और करारदाद आई इसी लिए है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो मैंने करारदाद पेश की है मैंने ज़ाती कैपेसिटी में पेश की है, मैं एक शहरी भी हूँ पाकिस्तान का, मुहब्बे वतन शहरी हूँ, मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा भी हूं, और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ हकूक और फ़राइज़ भी हैं जैसे आपके हैं और सेगमेंट्स ऑफ लाइफ के हैं। मैं पिछले 2-3 माह से ये वाच कर रहा हूं
कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन के जरिए हमारे सियासतदानों को डिफेम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, लेकिन कि ये सियासतदानों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इशू होता है जाली डिग्री का। अगर मुझे मीडिया हकायक सामने लाता है तो फिर आप एकदम से मीडिया को कहते हैं कि जी मीडिया तमाम तर जिम्मेदार है, जमहूरियत को नुकसान मीडिया पहुंचा रहा है, मीडिया के बाद हिस्से जो है वो जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाना जा रहे हैं। मीडिया ने तो सिर्फ जाली डिग्री को हाईलाइट किया। अस्मा, अगर लेट मी फिनिश प्लीज फास्ट, तो थोड़ा सा उस पर बहस करने में आसानी होगी। मैं जो पिछले 3-4 माह से ये बगौर जायजा ले रहा था, अल्लाह ने हमें फहम व फरासत भी दी है, अल्लाह ने हमें इंटेलेक्ट भी दी है, मैं भी नेशनल असेंबली में रहा हूँ, हमने इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं, हम बैठते उठते भी हैं, हम समझते हैं कि आजकल पाकिस्तान में क्या कैंपेन लॉन्च की जा रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की 63 साल लाइफ में यहाँ आधी ज़िंदगी से ज़्यादा मार्शल आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट रही है, जो थोड़ी बहुत जमहूरियत भी आई है। कभी वो एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि साह खान हमारा प्रेसिडेंट होगा, हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कसूरी आगा खान साहब होंगे, आगा खान साहब होंगे। यहाँ ये भी कह दिया ना कि मीडिया एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है। और मैं ये बात आज मुझे कहने दीजिए कि जो मैं आज कोई बेज़मीरा इंसान, कोई बेज़मीरा मेंबरान असम्बली होगा जो जेली डिग्री वालों को जायज़ करार दे रहा होगा। मैं मीडिया को ये बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ आपकी वसाता से, पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम से, ये उनके सामने अपना केस मैं पुट कर रहा हूँ कि हम कतन जेली डिग्री वालों के साथ नहीं है, हमको कोई उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, जिनकी जेली डिग्रियाँ हैं वो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, वो अवाम के भी दुश्मन हैं, वो 18 करोड़ अवाम के भी दुश्मन हैं। उनके जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनसे आप पैसे वापस करें, उनको खुली फांसी लगाएं। जाली डिग्री की है, लेकिन इसमें फिर आप चले, फिर ये रेजोल्यूशन को जाली डिग्री वाला मूव करता। आप कहते हैं आपकी डिग्री भी असली है, आपको कोई और चीज सामने नजर नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि आप जाली डिग्री वालों की हिमायत भी नहीं करें, लेकिन फिर रेजोल्यूशन आप क्यों मूव कर रहे हैं? आपने बिगनिंग जो आपने उसमें स्टेटमेंट्स में कहा जी कि जेली डिग्री, हमने कभी ये नहीं कहा जेली डिग्री। और आप अगर आप मेहरबानी फरमाएं, आप प्रोसीडिंग्स हमारी देख लें, मैं दावा देता हूं आपके साथ से पूरे पाकिस्तान के अवाम को और आपके तमाम लोगों को, अगर एक मेंबरान पंजाब असम्बली ने कहा हो कि हम जेली डिग्री पे हमारे खिलाफ ये वावेला कर रहे हैं तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूँ। आप मुझे फांसी लगा दें। करारदाद मैंने इसलिए पेश की, कल की आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, हमने पहले स्पीचेस की। असल चक्कर ये हुआ कि हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं भट्टी साहब जो गुजर खान से हैं, उनके खिलाफ को 18-20 घंटे टीवी पे, तमाम टीवी पे तकरीबन टिकर चलता रहा कि उनकी डिग्री जेली है। अल्लाह का करना ये हुआ कि असेंबली का सेशन हुआ, मैंने उनसे कहा भट्टी साहब ये सियासतदानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, अगर आपकी डिग्री भाई जेली थी तो आपको असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा खान साहब मेरी डिग्री, वो मूव कर सकते मेरी मेरी ना जी नहीं मैं उन्होंने कहा देखें जिम्मेदारी की बात हो रही है, सम सेक्शन ऑफ मीडिया की जिम्मेदारी की बात हो रही है। हमने ऑन द होल मीडिया को बुरा नहीं कहा, ऑन द होल हमने मीडिया को गलत नहीं कहा, हमने ऑन द होल मीडिया को मलाइन नहीं कहा, हमने ये कहा कि सम सेक्शन ऑफ मीडिया जो इरेस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है, जो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं करेक्ट। देखिए मैं आपने सबको एक ही लाइन में लगा दिया, मैं मिसाल देता हूं, मैं नाम ले रहा हूं, मिसाल देता हूं। कल के दी न्यूज में जो एडिटोरियल पेज पे आया है उनमें उन साहब ने लिखा है, मुझे नहीं पता कौन है यहाँ का एडिटर जी, उन्होंने